हेलो दोस्तों, मैं हूँ अर्षो। स्वागत है आप सबका अपने चैनल हमारे फ्री क्लास पे। दोस्तों, क्रास्टेन भारती भवन का जो बुक है जीव विज्ञान, उसका सेकेंड चैप्टर श्वसन का, यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न 3 तक हम सोल्व करा रखे। ठीक है, आज हम 4 नंबर क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है कि मछली के श्वसन अंग की संरचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करें। ठीक है, मछली जो होता है, ठीक है, मछली का श्वसन अंग की संरचना ही बनाना है और उनमें श्वसन कैसे होता है, ठीक है, उनकी विधि का वर्णन भी करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल वाइज आप तो चलिए जानते हैं दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ले चलते हैं, वहाँ पे हमें आंसर को बना रखा है। ठीक है, अच्छी तरीके से, तो वहीं पे आपको हम मछली के श्वसन की संरचना और इसका विधि का वर्णन करते हैं। ठीक है, सो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मछलियों के श्वसन अंग की रचना यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, देखिए मछलियों के श्वसन अंग की रचना बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो गिल पटलिकाएँ होते हैं, ठीक है, गिल पटलिकाएँ, ठीक है, यहीं से इनका क्या होता है, श्वसन होता है, यानी यहीं से ही ऑक्सीजन अपने अंदर संग्रह करते हैं, यानी अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, मछली से श्वसन अंगों की रचना, ये आपको रचना बना देना, बुक में भी दिया हुआ है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हल्का सा बना दीजिए। ठीक है, जिसमें गिल्स आना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में इसको गिल्स कहते हैं और हिंदी में इसे गलफरा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो रचना हो जाएगा, और श्वसन विधि की बात करें तो देखिए विधि एकदम ध्यान से देखिएगा, विधि क्या है वैसे ही विधि आपको लिखना है। ठीक है, विधि देखिए कि मतलब मछली कैसे सांस लेती है। ठीक है, तो देखिए मछली में श्वसन विधि प्रत्येक मछली में गिल्स 2 समूहों में पाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि मछली में जो श्वसन विधि होता है वो किस द्वारा होता है, तो गिल्स द्वारा, और प्रत्येक मछली में कितने गिल्स पाए जाते हैं, तो 2 समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, और गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग में आँख के ठीक पीछे स्थित होता है। ठीक है, गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग, यानी सिर के पीछे, ठीक है, पीछे वाले भाग में आँख के ठीक पीछे स्थित होता है। ठीक है, गिल्स कहाँ स्थित होता है, आँख के ठीक पीछे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आँख का ठीक पीछे स्थित है। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, आप देखिएगा दोस्तों मछली अगर लीजिएगा तो वहाँ पे जो उसका गलफड़ा होता है एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध तरीके से क्या होता है, व्यवस्थित होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हर गिल एक छाती थैली में स्थित होती है। ठीक है, हर गिल क्या होता है, एक छाती थैली में स्थित होता है, बिल्कुल सही। देखिएगा एक छाती जैसा थैली होगा उसी में स्थित होगा। ठीक है, जिसे गुलकष्ट कहते हैं। ठीक है, गिल कोष्ठ, ठीक है, जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं, और गिल कोष्ठ एक और आहार नली। ठीक है, अब देखिए गिल कोष्ठ कहाँ रहता है, तो गिल कोष्ठ एक और आहार नली की ग्रसनी या फेरिंक्स में खुलता है। ठीक है, तब दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। ठीक है, यानी कि देखिए क्या बात हुआ कि गिल्स होता है, यानी कि जो मछली का गिल्स होता है, ठीक है, वो गिल्स से सांस लेते हो जो कि आँख के ठीक पीछे होता है, और ये 2 समूह में पाए जाते हैं, एक दूसरे श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं, और एक छाती जैसी थैली में होती है, और गिल कोष्ठ उसे कहते हैं, और गिल कोष्ठ आहार नली की ग्रसनी या फ्रेंकिस में खुलता है तथा दूसरी ओर शरीर के बाहर निकलता है। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा कि मछलियों में जल की धारा मुख से आहार नल के फ्रेंकिस में पहुँचता है। अब बताया जा रहा है कि कैसे सांस लिया जाता है, तो मछलियों में जल की धारा मुख से आहार नल के फ्रेंकिस में पहुँचता है, या जल की धारा में स्थित भोजन तो फ्रेंकिस से ग्रस नली में चला जाता है, परंतु जल गिल कोष्ठों में तथा फिर शरीर के बाहर चला जाता है। इस प्रकार गिल्स लगातार जल के संपर्क में रहते हैं, जिससे जल में घुले ऑक्सीजन गिल्स की रक्त वाहिनियों में स्थित रक्त में चला जाता है तथा रक्त कार्बन डाइऑक्साइड जल में चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ऑक्सीजन वो ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। ठीक है, तो दोस्तों बस यही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।